मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी। आप देखिए कलेजी को मैंने इसको साफ कर लिया है व्हाइट विनेगर डालकर। 10 मिनट आप सभी लोग इसको रख दीजिए, उसके बाद धुल कर बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गया ये मेरा कलेजी। तो अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। ये मेरा कलेजी 1 kg है, 1 kg हमने लिया हुआ है। इसे हम बहुत ही अच्छे से साफ़ कर ले। व्हाइट के लिए हम ये 3 से 4 बड़े प्याज काट लिए हैं, जो कि 300 या 350 ग्राम के लगभग है हमारे प्याज। तो इसको हमने पतला पतला काट लिया है और इसमें हम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हम जीरा लिए हुए हैं, खड़ा जीरा है, और 1 चम्मच काली मिर्च है, और ये मैंने 4 से 5 ले लिया लाल मिर्च सूखा, 2 से 3 ये लौंग है, आप देख सकती हैं 2 से 3 लौंग है, और ये बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची को हमने 2 लिया हुआ है, और ये दालचीनी के कुछ छोटे टुकड़े हैं। अब हम मसाला को रेडी कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है कलेजी का रेसिपी, आपको बताते हैं। अब आप देखिए कुकर हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम बहुत ही थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 चम्मच ही तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे, ज़्यादा प्याज हमको नहीं डालना है, इतना प्याज ले लेंगे, बस थोड़ा सा ही प्याज डाल देंगे। और अब हम इसमें कलेजी डाल देंगे, जो ये मेरा कीमा कलेजी है इसको डाल देंगे। इस तरीके से बनाने से बहुत ही अच्छा बनता है कीमा कलेजी, तो आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हम पीस कर ले लिए हैं, इसे भी डाल देंगे। और इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इस तरीके से बनाने से कलेजी का जो कड़वापन होता है वो बिल्कुल निकल जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 सीटी लगाएंगे, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे, फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं कैसे बनाना है इसे। प्रेशर कुकर का हम लगा देंगे ढक्कन। ये 2 सीटी दे दिया है प्रेशर कुकर, तो इसे हम नीचे उतार लिए हैं, सीटी खोल देंगे। जब ये अब इसे हम निकाल लेंगे, आप देख सकती हैं कि कितना पानी छोड़ा है, पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें डाले थे। कलेजी जो होता है बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, देखिए बिल्कुल पानी है, इसे हम निकाल लेंगे, चलनी में निकाल लेंगे हम। जाली वाली थाली में निकाले हुए हैं, अब ये ऐसा हो गया है, इसे हम फिर से अच्छे से पहले इसे अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। इसे हम अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। अब ये बिल्कुल साफ है, तो हमारा कलेजी साफ हो गया है। गैस के पास गैस ऑन कर देंगे और कुकर रख देंगे। जब कुकर गर्म हो जाएगा तब इसमें हम आगे का करेंगे। आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं किया करिए। अब कुकर गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल हम इतना डाले हुए हैं, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें हम प्याज का तड़का लगाएंगे। इसमें हम पहले 1 चम्मच खड़ा जीरा डाल देंगे,
और ये दो लाल मिर्च हम लिए हुए हैं, सूखा लाल मिर्च है, इसे भी डाल देंगे। और जो ये प्याज आपको हमने दिखाया हुआ था, इसके प्याज को हम तड़का लगा देंगे पहले। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब आप देख सकती हैं प्याज जो है लाल हो गया है, प्याज हमारा हो गया है। तो इसमें अब हम ये कलेजी डाल देंगे जो कीमा कलेजी रखे थे। इसे हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। इसे हम 5 से 7 मिनट भून लेंगे अच्छे से। अभी आप कलेजी बनाइए तो इसे बनाने के पहले आधा घंटा व्हाइट विनेगर में डाल के पानी में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसे सोक करने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि उसका कड़वापन बिल्कुल निकल जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा और उसका महक निकल जाता है। इससे बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस टिप से और बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। इसको हम भून लेंगे, इन्हें भूनेंगे 2 से 4 मिनट तक। देखिए अब ये बहुत ही अच्छा आ रहा है कलर इसका। अब ये हो गया मेरा भूनते 5 से 7 मिनट, देखिए। तो अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। जो मसाला हम आपको खड़ा दिखाए हुए थे, वही मसाला को पीस लिए हैं, इसमें हम डाल देंगे मसाला। और थोड़ा सा बस पानी डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं पानी डाले हुए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें हल्दी पाउडर हम 1 चम्मच डालेंगे। ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने पिसा हुआ था, इसको भी डाल देंगे। अब सारे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाला बहुत ही अच्छा भूनना चाहिए। मसाला को कम से कम 10 मिनट तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब आप देख सकती हैं इसका कलर है, बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। अभी तो मसाला हमने डाला हुआ है, जब ये मसाला भून जाएंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा, खिला खिला बिल्कुल। तो आप सभी लोग ज़रूर देखिए वीडियो को, बिल्कुल वीडियो को बीच में स्किप नहीं किया करिए। और अब आप देखिए इसे हम बीच बीच में बिल्कुल चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाला जो है हमारा नीचे से जल जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और इसमें हम कलर अच्छा लाने के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च हमने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है, इससे कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, कलेजी में नमक हम लास्ट में डालेंगे, आपको दिखाएंगे जब नमक डालेंगे। तो अब इसे हम भूनते रहेंगे, 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। जब मसाला बहुत ही अच्छा भूनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको आगे का रेसिपी दिखाते हैं। देखते हैं कि मसाला बिल्कुल मेरा भूनकर रेडी है, बहुत ही अच्छा कलर हुआ है इसका। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि कलेजी भूनते भूनते भूनने से ही हो जाता है, बिल्कुल गल गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें आप चाहे तो थोड़ा और पानी डाल सकती हैं, थोड़ा सा हम और पानी डाल देंगे
और ये बिल्कुल बढ़िया कलर आएगा। अभी हम पानी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और इसमें हम नमक नहीं डाले हुए थे, तो अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। आप तेज खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा और डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर इतना नमक सही है। अब इसे हम चला देंगे अच्छे से और 10 मिनट बस छोड़ देंगे ताकि हमारा ग्रेवी अच्छे से पक जाए। फिर हम उसे आपको दिखाएंगे कि मेरा कैसा बना हुआ है। कलेजी पे रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो कलेजी है बिल्कुल बनकर रेडी है। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना है। तो इसे हम ये अदरक के लिए हुए हैं, पतले पतले टुकड़े काट लिए हैं, इसे हम डाल देंगे। ये दो हरी मिर्च है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, मेरे कहने से इस रेसिपी से आप सभी लोग कलेजी बनाइएगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कैसा बना कलेजी, मेरा रेसिपी आप लोग को पसंद आया या नहीं आया। तो प्लीज़ अभी तक अगर आप सभी लोगों ने हम लाइक मेरे वीडियो को नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करिए। आप सभी लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।